एसएस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। चलिए शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ क्रश कीवी गाजर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, चीनी और कुछ मावा। ये हमने 3 किलो दूध का मावा निकाल लिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने कुछ देसी घी ले लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे गोंद। गोंद को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुछ काजू, और काजू को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुछ बादाम, और बादाम को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें ये क्रश की हुई गाजर को डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से पानी सूखने तक इनको भूनेंगे। देखिए हमारी गाजर का सारा पानी जल चुका है। अब हम इस गाजर को इस मावे में इस तरीके से डाल देंगे। देखिए अब हम इस मावे को इस गाजर में मिलाएंगे इस तरीके से। अब हम इसमें जो थोड़ा पानी रह गया है उसको जलने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा चीनी डालेंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक के इसी तरीके से पकाएंगे। ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब इसमें हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से डालेंगे और चला देंगे। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है और हम इसको ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। बाय बाय।